शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तुम दोनों बहनें बंद करो अपना नाटक। तुम दोनों बहनों को क्या लगा? मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा। तुम दोनों बहनों ने मिलके अभय को फंसाया है, इसीलिए मैं अभय को इस घर से दूर लेकर जाना चाहती हूँ। इस घर में ना अभय के साथ सिर्फ और सिर्फ पूरा ही हुआ है। आज तक जो भी कुछ हो रहा है ना, पूरा ही हुआ है। क्या कहा तुमने? अभय का अपने ही घर में सिर्फ बुरा होता है। एक मिनट, कितने दिनों से तुम उसकी जिंदगी में आई हो जो इतना बड़ा फैसला ले लिया तुमने कि घर को तोड़ना ही बेहतर होगा? अरे आंटी जी, आप मुझसे क्या सवाल कर रही हैं? खुद का घर तो संभाल नहीं सकी है, एक ही छत के नीचे रह के दोनों परिवार रोज चमके एक दूसरे को सुनाते रहते हैं। और ये कीर्ति अफसर रानी, इसने तो अभय को पुलिस केस में ही घसीट लिया। यह परिवार का प्यार? ये रोशनी मम्मी से कैसे बात कर रही है? शायद मेरी वजह से परेशान हो गई होगी और गुस्सा मम्मी पे निकल गया। बाद में मिलके अच्छे से समझा दूंगा। ये है परिवार का प्यार? तुम तो आप इसके मुंह मत लगी। आप हमारे साथ चलिए, आइए। ये तो बाहर वाली है, पर आप तो घर वाली हैं। फिर क्यों घर तोड़ने पे लगी हैं? अभय को कहिए कि खुद को पुलिस के हवाले करे, इससे हम सब ठीक कर पाएंगे, घर की शांति भी और उसकी जिंदगी भी। रुको रोशनी, सच सच बताओ मुझे, आखिर चाहती क्या हो तुम? मतलब अभय से प्यार करने का दावा करती हो ना तुम, तो उन्हीं के हमलावर को तुमने जेल से क्यों रिहा कराया? कुणाल की बेल तुमने ही कराई ना, क्यों रोशनी बोलो? मैंने जो कुछ भी किया ना, अभय के लिए किया और उसी के प्यार में बेवकूफ भी बन गई। वो कुणाल पब्बर शेख गैंग के असली बॉस की खबर देने की कीमत मांगी थी उसने, अपनी आजादी। उस धोखेबाज ने मुझसे झूठ कहा, उसे कुछ पता ही नहीं है। उस पब्बर शेख गैंग का बॉस, उसका सामना करने के लिए मैं तैयार हूँ सर। उसे कल सुबह होने से पहले तक मैं जेल पहुंचा दूंगा सर। कौन है वो? वो जो कोई भी है ना, अभय को बचाने का आखिरी जरिया है, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब उसने किया है। श्रद्धा, वहां कोई तो था जो हमारी बातें सुन रहा था। ये जो कोई भी है ना, अपर शेर गैंग का बॉस, उसका पता लगाना बहुत जरूरी हो गया है और मैं उसका पता लगा के रहूंगी। अभय को बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगी। अभय को इन मुसीबतों से बचाने का सिर्फ एक ही जरिया है, अपर शेर गैंग के असली बॉस का चेहरा। बात करनी होगी रोशनी से, बेचारी कितनी परेशान हो रही मेरे लिए। तो कीजिए, आप सारी चिंता छोड़ दीजिए और सिर्फ रोशनी के ही बारे में सोचिए कि वो कितना परेशान हो रही होगी। अरे अभी आपको पता भी है कितनी बड़ी मुसीबत में आप। अभय को अभी कुणाल के बेल के बारे में बताना ठीक नहीं होगा, वो पहले से ही बहुत परेशान है। ओ हेलो, कितना बड़ा ताना मारना ये सोच रही हो? कैसे हैं आप अभय? पुलिस आपके जान के पीछे पड़ी है, आपको बचाने का भी सिर्फ और सिर्फ एक ही जरिया है, पब्बर शेर गैंग का बॉस जिसका कोई अता पता ही नहीं है, और आप रोशनी की चिंता में आधे हुए पड़े हैं। अरे क्यों ना करूं उसकी चिंता में, वो रो रही थी मेरे लिए, बेचारी चिंता में है।
उसकी चिंता दूर करने के लिए मैं उससे बात कर लेता हूँ। नहीं अभय, आपको कोई फोन नहीं करना चाहिए। पुलिस आपके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में जुटी है। मैं पुलिस के साथ ही काम कर रहा था, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। तुम चिंता मत करो, दूसरे नंबर से फोन कर रहा हूँ। एक तो ये बैंक वाले, अरे नहीं करनी मुझे किसी से बात। रोशनी मेरा फोन उठाओ, रोशनी से बात करूंगा भी कैसे, फोन तो उठाए वो पहले। सिर्फ चाय करता हूँ। हेलो हेलो रोशनी, मैं अभय बोल रहा हूँ। अभय, अभय कहाँ हो तुम? पता तुम्हें तेरी क्या हालत हो गई? ये पुलिस तुम्हारे क्यों पीछे पड़ी? ये सब हो क्या रहा है? अरे रोशनी सांस ले लो पहले, एक ही सांस में 3-4 सवाल कर लिए मुझसे तुमने। अच्छा तुमने मुझे इतना डरा दिया, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारे लिए बहुत डर लग रहा है। तो मुझे बताओ तुम कहाँ हो, मैं तुमसे अभी मिलने आ रही हूँ। हाँ रोशनी, मैं भी तुम्हें सब सच बताना चाहता हूँ। हम कल मिलते हैं ना, तुम ज्यादा टेंशन मत लेना, परेशान मत होना प्लीज। मैं कैसे परेशान ना हूं तुम्हारे लिए अभय, आई लव यू। आई लव यू टू। आई लव यू टू। रोशनी मैं ना तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारी बहुत याद आ रही है मुझे। आई लव यू, बाय। ऐसे क्या देख रही हो? मैं सिर्फ और सिर्फ रोशनी से प्यार करता हूँ, तो मैं ना अपनी बाल्टी बीच में खिसकाने की जरूरत नहीं है। मैंने कुछ बोला आपको? नहीं ना, और आप जो मुझे ऐसे सफाई दे रहे हैं उससे तो मुझे साफ पता चल रहा है कि आपके मन में कोई चोर जरूर है। वो हेलो, मेरा मन ना एकदम साफ है। हाँ तुम्हारे चेहरे से तुम्हारे इरादे साफ साफ दिखते हैं, चाहे तुम मानो या ना मानो। आपको बड़ा पता है मेरे मन का। वैसे तुम तो ऐसे जल रही हो जैसे मैंने तुम्हारे साथ प्यार की कसमें खाई हैं। हमारे बीच किरायेदार और मकान मालिक के अलावा रिश्ता ही क्या है? रिश्ता तो है अभय, आप माने या ना माने। ओ हाँ, तुम तो मेरी भाभी की बहन हो। वैसे भाभी तो याद आया, उन्होंने तो मुझे जेल पहुंचाने के लिए जैसे माँ भवानी की कसम खा रखी है। वैसे बुरा मत मानना, ये तुम दोनों बहनों की मेरे खिलाफ कोई साजिश तो नहीं है कि एक बहन मुझे भगाएगी और दूसरी बचाएगी और रिझाएगी? ओ यार क्या हो तुम, मजाक भी नहीं समझती हो। सॉरी सॉरी सॉरी, अरे हाथ तो हटाइए ना, एक बार दिखाइए इधर। किस्मत की लकीरों से, 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 किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती। श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।